मेरी प्यारी चिड़िया बहन कैसी हो? बैठ और क्या करता? कहाँ जाना था उड़ के? और सुनाओ कोई। ये आवाज कैसी? चलो चिड़िया बहन, इस बकरी से तो पूछें, इतने दिन से यहीं पर बैठी है, क्या मसला है इसको? बकरी, इतने दिन से यहीं पर बैठी हो, क्या मसला है? और इस जंगल की भी मुझे नहीं लग रही हो। क्या बताऊं, मैं साथ वाले जंगल से आई हूँ। वहां पर चारा खत्म हो गया था, यहाँ पर चारा लेने आई थी। तो फिर क्या हुआ है? इतने दिनों से हम दोनों देख रहे हैं, आप यहीं पर बैठी हैं। कोई मसला है तो आप हमें बताएं, हो सकता क्या बताऊं, मैं पहले भी बहुत दिनों से भूखी थी। अब भूख की वजह से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है और मुझसे उठा भी नहीं जाता। मुझे लगता है यहीं पर मुझे मरना होगा। भूख की वजह से ही ये सारी हालत है। खाना मिले, पेट भरे तो मैं वापस अपने जंगल में जा पाऊं। बहुत जानवरों से मैंने मदद मांगी कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे कुछ खाने के लिए ला दे, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन किसी ने भी मेरी मदद करने के लिए हामी नहीं भरी, तो मैं क्या करूं अब? हम तुम्हारी मदद जरूर करते, लेकिन हम तो खुद छोटे छोटे जानवर हैं, तो फिर हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? कोई बात नहीं, मुझे आप दोनों से कोई शिकायत नहीं है। तुम दोनों तो बहुत छोटे से परिंदे हो। जब बड़ों ने इनकार कर दिया तो तुम मेरी मत क्या करोगे? अरे परेशान ना हो, आपकी मदद मैं करूंगी। जितने दिन तक आप ठीक नहीं होते, आपके खाने की जिम्मेदारी मैं लूंगी। पागल चिड़िया, तुमने उसके खाने की जिम्मेदारी तो ले ली है। तुम्हें पता है कि वो कितना खाएगी और तुम कैसे लेके आओगी उसके खाने के लिए? इतनी सी घास से उसका क्या होगा? वो बकरी है, चिड़िया नहीं है। इतने से पेट नहीं भर सकता उसका। थोड़ा थोड़ा करके उसके लिए लेके आती रहूंगी। जितनी मदद हो सकी मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। मुझे बताओ मैं क्या करूं? इतने दिनों से उसके लिए खाना लेकर आ रही हूँ, लेकिन उसका पेट नहीं भर रहा। इसी वजह से उसकी तबीयत पहले से ठीक नहीं हो रही, मजीद बिगड़ रही है। चिड़िया, तुम परेशान मत हो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम उसकी मदद कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आज से मैं भी तुम्हारे साथ उसके लिए खाना लेकर आया करूंगा। उसको जब ज्यादा खाने को मिलेगा, उसका पेट भरेगा तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। देखना, हम इस बकरी को सेहत वापस लौटा कर ही रहेंगे और मैं आज से तुम्हारे साथ जाया करूंगा उसका खाना लेने के लिए। थोड़ी थोड़ी घास कब तक लेके जाते रहेंगे? ऐसे तो उसका पेट नहीं भरेगा। मैं ये बैग ले लेता हूँ, इसमें घास भरकर लेकर जाऊंगा तो काफी घास चली जाएगी। बार बार चक्कर लगाने से बेहतर है कि मैं एक ही दफा काफी सारी घास ले जाऊं, इससे उस बकरी का पेट भी भर जाएगा। मैं इस बैग में सारी घास भर लेता हूँ, देखना मुझे देखकर चिड़िया भी बहुत खुश हो जाएगी कि इतनी सारी घास ले आए हो। चिड़िया, मुझे ना एक बैग मिला है, मैं उसमें आज बहुत सारी घास लेकर आया था और बकरी का थोड़ा सा पेट भी भर गया था। मैं कहता हूँ कि तुम भी वो बैग लेकर जाया करो, काफी सारी घास आ जाएगी, जल्दी पेट भरा करेगा इसका। ये है वो बैग चिड़िया रानी। करूंगी तुम नहीं, हम दोनों इस बैग में लेकर आया करेंगे। मुझे बहुत दिनों के बाद इतनी ज्यादा घास देखने को मिली है। आज मैं पेट भर कर खाऊंगी। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। तुम दोनों की वजह से मैंने 3-4 दिन पेट भर कर घास खाई तो मेरी तबीयत पहले से ठीक हो गई, क्योंकि भूख की वजह से जो बीमार थी।
आप दोनों का एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। अब मुझे इजाजत दे और आपको अल्लाह खुश रखे। अल्लाह हाफिज़ हमारी प्यारी सहेली।